and welcome back. And I've got Zainab Khanani with me. So let's say hello to her. Assalamu alaikum. Zainab. Assalam. कैसे हैं साहिर? I'm all good. How are you? आप कैसी हैं? ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. आपकी तबीयत ठीक है अब? Not really, but हाँ, I'll make do with it. बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है. रात को बिल्कुल सोना नहीं मिला है. मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा. तो it's just terrible. आज जो मैंने गाना किया वो भी इन लोगों ने करवा दिया तो हो गया, वरना तो वो भी नहीं होना था. बट इट्स गुड. हाउ आर यू? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप थोड़ा सा कहवे शावे पिए, गला ठीक करें अपना. वो ही पी रहा हूँ अभी. देखें अभी वो ही पी रहा हूँ मैं. कहवा ही पी रहा हूँ. सीरियसली, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. बट इट टेक्स टाइम. दो से तीन दिन लगेंगे ठीक होने में. अच्छा, दो से तीन दिन में ठीक हो जाएगा? आप कोई ऐसी रेमेडी करें ना. हाँ, कोई हो जाएगा. आप तो वीकेंड आ रहा है. कोई हाँ वीकेंड आ रहा है. आपने प्रॉमिस किया था कि यू नो हम लोगों ने डिनर पे जाना है, लंच पे जाना है, कुछ भी नहीं हुआ. मैं आ रही हूँ कराची. इन लोगों की जितनी भी पेनल्टीज लगी हुई है ना, मैंने कैलकुलेशन की हुई है. की हुई है ना. अच्छा, सो आज हम एक और बात करें, मैं और जैनब एक और बात कर रहे हैं कि आज तुम लोगों को एक और चांस मैं दे रहा हूँ. वो गाना कोई भी ऐसा प्ले कर दो जो मुझे अच्छा लगे या जैनब को अच्छा लगे. एंड थ्रू आउट द शो लेट्स सी कि अगर तुमने प्ले कर दिया तो 1000 रुपये. जैनब मैंने इनको बोल दिया है. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा, अगर नहीं किया ना तो बस फिर ये नहीं करेंगे. मैं बता रहा हूँ ये नहीं करेंगे. ये नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कर लो ये नहीं करेंगे. अच्छा, लेट्स डू दिस. आज हम क्या करने वाले हैं? आज आप क्या बताने वाली हैं? आज हम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन जो 70% डाइट का रोल होता है उसको हम वो रोल सही से निभा नहीं रहे होते. इस वजह से हमारे रिजल्ट जो है ना वो फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं. अच्छा, और अगर मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल नहीं कर सकते, जो 100% डाइट नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? आप जैसे लोग जो बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है. डाइट सब कर सकते. एक्चुअली हमने डाइट वर्ड को ही गलत लिया हुआ है. डाइट जैसे ही लोग सोचते तो कहते हो भाई गॉड, हरा खाना, ग्रीन्स खाने हैं और सूखा खाना है और बदमजा खाना है. डाइट का हरगिज ये मतलब नहीं है. डाइट का मतलब है मजे का खाना है बट माइंडफुल ईटिंग है, ठीक से खाना है. ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी जिंदगी से सारा टेस्ट खानों का सब निकाल के फीका खाते रहे. डाइट अच्छी भी तो होती है. पता नहीं, हमने गलत सोचा हुआ है. तो आप डाइट कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं. पता नहीं जी कौन सी डाइट होती है जो अच्छी होती है. ये तो मैंने तो आज तक नहीं देखी कोई डाइट अच्छी. क्यों? मुझे लगता है कि बहुत अच्छी होती है. नहीं, मुझे लगता है जितनी डाइट्स होती है ना, फॉर एग्जांपल चले आप बताएं आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं. मैं एक पराठा खाता हूँ, 2 अंडे खाता हूँ, थोड़ा सा कोई भी सालन खाता हूँ, साथ में ऑरेंज जूस लेता हूँ और फिर उसके साथ साथ मैं चाय लेता हूँ. हाँ, अच्छा ऑरेंज जूस भी लेते हैं और चाय भी लेते हैं, दोनों हाँ, लेते हैं. तो मतलब ऑरेंज जूस तो मैं इसलिए लेता हूँ ना भाई, देखें जब आप पराठा खा रहे हैं तो पराठे के साथ आपके साथ कुछ ना कुछ आलू की तरकारी या छोले छोले होने चाहिए और अंडा जरूर होना चाहिए. एंड देन फिर उसके साथ एक बार ये हो गया, फिर उसके बाद आपने जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर आपने चाय पी और चाय आपने आधे पराठे के साथ लेनी है. ये तो आपको खाना ही खाना है. ये तो मुझे लेना ही लेना होता है. ठीक है, आप पराठा भी खा रहे हैं, आप अंडा भी खा रहे हैं, लेकिन आपने जो 2 पराठे किए हुए हैं आप उसको एक पे कवर कर लें. आधा पराठा आप सालन के साथ खा लें तो यही करता हूँ. देखें मैं आपको बताऊँ, ये राजा मेरे पास लाके 2 पराठे रखता है ना, तो अब 2 में से एक तो मैं खा लेता हूँ, एक जो बच जाता है उसके किनारे किनारे खाना शुरू करता हूँ, फिर बीच में से खाता हूँ उसको ताकि मुझे फील ना हो कि मैंने 2 खाए. बट एक्चुअली मैं तकरीबन 1.5 के करीब पराठा खा लेता हूँ. नहीं तो फिर आप ऐसे करें कि ये कौन है, कौन आपको 2 पराठे खिला रहा है? राजा, और कौन खिला रहा है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे. माशाल्लाह कुछ आज ब्रेक ज्यादा नहीं हो गई. कल हमने थोड़ा सा कहा था तो आज कुछ ज्यादा हो गई और ब्रेक ज्यादा हो गई है. ब्रेक है जी. जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम. एंड वी हैव गॉट डॉक्टर अमरीन. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत बहुत शुक्रिया. लुक वेरी नाइस माशाल्लाह. एंड अस्सलाम वालेकुम उज्मा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. मैं भी बिल्कुल ठीक हूं. आप ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच. हां जी, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड वी हैव गॉट ज़ैनब आल्सो. ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम. सही है ना आप? ऑलराइट ऑलराइट. हां, तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज की. डॉक्टर साहब आप तो करती हैं, आप तो जिम करती हैं. एंड आप नहीं करती? मैं भी करती हूं. आप भी करती हैं? जी मैं भी करती हूं. कयामत की निशानियां हैं, मगर कोई बात नहीं, करती हैं आप तो. दैट्स अ गुड थिंग.
अच्छा, तो ज़ैनब मुझे कोई ऐसी टिप दें जिससे मोटिवेशन पैदा हो सके, सब लोग कर सकें जिम। मोटिवेशन पैदा हो सके, मोटिवेशन एक तो ये आपके अंदर होती है मोटिवेशन, आपको किसी बाहर की सपोर्ट की, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, बाहर के सपोर्ट की मोटिवेशन के लिए जरूरत नहीं होती है। मोटिवेशन एक तो ये कि आप ये कहें कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पतला नहीं होना, या मुझे शॉर्ट टर्म थोड़े से अरसे के लिए हेल्दी नहीं होना, मुझे अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना है। लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा ड्रास्टिक चेंज कर दें और जो जो चीज़ें पसंद हैं वो खाने से बिल्कुल निकाल दें। आप ये देखें कि जो चीज़ें पसंद है अगर मैं उसको अनहेल्दी वे में खा रहा हूँ, वो अनहेल्दी हैं, तो मैं उसकी क्वांटिटी को कम कर दूँ, ठीक है, और स्लोली मैं हेल्दी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँ। बिकॉज ये सडन ओवरनाइट आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप सडन डाइट पर आते हैं और एक्सरसाइज पर आते हैं तो आप बहुत जल्द उसको छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ अगर आप ग्रेजुअली ऐड करेंगे तो वो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और ये आपका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। अच्छा, और दूसरा ये कि अपनी ज़ैनब अभी गाना लगा दिया उन लोगों ने, लगाइएगा जरा, कौन सा गाना? आलमगीर साहब का ये गाना है, बहुत अच्छा गाना है। साहबा, हमने एक काम किया हुआ है, मैंने इन लोगों से शर्त लगाई है कि जो गाना मुझे पसंद आएगा मैं उस पर, मैं अक्सर देता हूँ, वो 1000 रुपये मैं इनको दूंगा। अच्छा, और एक गाना, एक और शर्त है, एक गाना मैंने सोचा हुआ है, 5000 रुपीज़, 5000 रुपये। अच्छा, इस गाने का एक हिस्सा है, 1000 रुपये दूंगा, ये गाना वो नहीं था, लेकिन 1000 रुपये दूंगा, इस गाने का वो हिस्सा सुनवाओ जो मैं सुनना चाहता हूँ। इसी गाने में एक हिस्सा है, एक अंतरा इस गाने का। आज तो ये